हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग जोगा क्रॉस कर चुके हैं एंड वहां से हम लोग ने पकड़ा था NH12। NH12 पे आने के बाद हम लोग को पूरा सिंगल लेन ही मिला है। बस वो जो जोगा का मेट्रो स्टेशन वाला एरिया ना, वो 4-वे लेन था। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं राजारहाट एंड इस रूट पर स्पीड लिमिट है 30। NH12 आपको मेनली सिंगल लेन ही मिलेगा एंड हम लोग बहुत सारा मार्केट प्लेस क्रॉस कर रहे हैं। नॉर्मली मार्केट प्लेस एक बहुत ही बिजी एरिया होता है, तो बीच बीच में आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है। तो अगर आप लोग भी इस रूट से आते हो तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। तो सामने आने वाला है सिराकुल बाज़ार, तो वहाँ से अगर आप लोग राइट लेते हो देन वो NH12 है एंड वो सीधा डायमंड हार्बर की तरफ जाती है एंड लेफ्ट वाला जो रूट है वो उश्ती की तरफ जाती है। गंगासागर, बकखाली और डायमंड हार्बर है राइट वाला रूट एंड उश्ती है लेफ्ट। तो चलिए आगे चलकर मैं आपको वो मोड़ दिखा देती हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सिराकुल मोड़ पे एंड सामने जो राइट वाला रास्ता है वो डायमंड हार्बर की तरफ जाती है एंड यहाँ से जो लेफ्ट वाला है वो उश्ती की तरफ जाएगी। तो गाइस सुबह से जो हम लोग जर्नी स्टार्ट किए हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग कोलकाता के बेसिक रोड से ट्रैवल किए जहाँ पे बहुत सारे हम लोग को ट्रैफिक सिग्नल्स मिले। उसके बाद बहुत जगह हम लोग को ना क्राउडेड मार्केट्स मिले एंड अभी सिराकुल क्रॉस करने के बाद रोड का ब्यूटी एकदम से चेंज हो गया है एंड अभी इवन दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए रोड के दोनों साइड ग्रीनरी है हर जगह। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फतेहपुर एंड बकखाली और नामखाना है सीधा। सामने जो राइट वाला रास्ता है ये फालता की तरफ जाती है, तो हम लोग स्ट्रेट ही फॉलो करेंगे NH12 को सामने और 5.6 किलोमीटर पे हम लोग पहुंच जाएंगे शोरीशा एंड यहाँ से डायमंड हार्बर का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। सो गाइज जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो देन मौसमी दीप पे ना और भी 2 एपिसोड्स बने हुए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो भी जाके देखो। एंड जो लोग मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखना, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। बैंगलोर टू कोलकाता वाला जो लंबा रोड ट्रिप किए थे ना, उसके बाद हम लोग मौसमी दीप जाने का प्लान किए। तो इस रोड ट्रिप सीरीज़ में हम लोग 3 टूरिस्ट स्पॉट कवर करेंगे। एक तो है डायमंड हार्बर, सेकेंड हम लोग स्टे करने वाले हैं मौसमी दीप पे, 1 नाइट स्टे है एंड वहाँ पे होटल ऑलरेडी हम लोग बुक कर चुके हैं। एंड थर्ड कल हम लोग जाएंगे बकखाली सी बीच। सो बैंगलोर से कोलकाता वाला डिस्टेंस 2000 किलोमीटर्स का वो रोड ट्रिप था। ये वाला रोड ट्रिप जो है ना थोड़े से किलोमीटर्स का है, 130 किलोमीटर्स, ज़्यादा नहीं है। सो गाइज ऐसे ही हम लोग NH12 पे जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पूरा सिंगल लेन है, तो अगर आप लोग भी इस रोड पे आते हो ना बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना है। डे लाइट में भी प्लस नाइट में भी ना इस रूट पे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है ड्राइव करने में, क्योंकि ऑपोजिट साइड से गाड़ी आती है ना देन पूरा हेडलाइट आंख पे पड़ता है। एनीवेज इस रोड पे आपको रात को शायद ही स्ट्रीट लाइट्स भी मिले। तो यहाँ से दिखा रहा कि और 7.6 किलोमीटर्स है डायमंड हार्बर।
अभी घड़ी में ऑलमोस्ट बज रहे हैं 8 एंड हम लोग डायमंड हार्बर एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से डायमंड हार्बर रिवर साइड है और 3.2 किलोमीटर्स रोड पे, तो आप लोग देख ही सकते हो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, तो लगभग 11 मिनट के आसपास लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कोपाट हाट मोड़। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डायमंड हार्बर रिवर साइड। तो सामने चलिए कार को पार्क करते हैं, फिर यहाँ की ब्यूटी आपको दिखाते हैं। सो वहाँ सामने ना डायमंड हार्बर का फेरी सर्विस है, तो यहाँ से आप लोग फेरी राइड लेके पहुँच सकते हो कुकराहाटी। ये फेरी सर्विस सुबह के 7:15 बजे से स्टार्ट होती है। गाइज अगर आप लोग का वीकेंड छोटा है देन ना कोलकाता से आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो आने का, एक शॉर्ट वीकेंड ट्रिप हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप लोग ना फेरी सर्विस भी इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे फेरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, तो यहाँ से ना फेरी राइड लेके आप लोग पहुँच सकते हो कुकराहाटी एंड हुगली रिवर क्रॉस करते टाइम आप लोग ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हो इवनिंग टाइम पे। तो अभी सुबह सुबह ना ये भैया टेंडर कोकोनट सेल कर रहे थे यहाँ पे जस्ट डायमंड हार्बर के सामने ही। तो हम लोग भी यहाँ से नारियल पानी पियेंगे फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, एंड बीच रास्ते में एक अच्छा सा जगह देखकर ना हम लोग ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल अभी शुरू करते हैं नारियल पानी से।
सो डायमंड हार्बर फेरी सर्विस से जस्ट 450 मीटर्स आगे ही आपको मिलेगा सागोरिका टूरिस्ट लॉज। तो इस लॉज के सामने हम लोग अपना कार को पार्क करवा चुके हैं। नॉर्मली ना यहाँ पे पार्किंग लगता है, लेकिन अगर आप लोग इस लॉज पे आ रहे हो देन पार्किंग फ्री है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फिर आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो हम लोग का ऑर्डर आ गया है, तो फिलहाल यहाँ पे है ब्रेड ऑमलेट और भी चीज़ें जो बाकी के फैमिली मेम्बर सबको ही है। तो हम लोगों ने और मंगवाया है पूरी और उसके साथ है मटर की सब्जी। सो गाइज अभी टाइम हो रहा 9:18 एंड हम लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फिर से आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डायमंड हार्बर घूमने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स मौसुनी द्वीप। सो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन हम लोग की जर्नी अभी भी कंटिन्यूड है। हम लोग अभी जा रहे हैं मौसुनी द्वीप एंड देन फिर हम लोग जाएंगे बौखाली बीच जो कि है कल का हम लोग का डेस्टिनेशन। आज फिलहाल एक नाइट हम लोग स्टे करेंगे मौसुनी द्वीप में। सो गाइज व्लॉग अगर अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।